बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे हमारे नर्व्स या नसों में ख़राबी के बारे में। हम बात करेंगे एसाबी निज़ाम की ताकत के लिए पांच बेहतरीन मल्टीविटामिन जो ख़राब एसाबी निज़ाम को दोबारा से ठीक कर सकते हैं, और डिस्कस करेंगे उसकी वजह से जिस्म में होने वाली बीमारियां इन विटामिन से कैसे ठीक हो सकती है, और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि किन चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल करके इन ज़रूरी विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। हमारी नसें बिजली की तारों की तरह होती है। घर में जिस तरह एक वायर में मसला होता है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती और सारा काम रुक जाता है। इसी तरह जब नर्व डैमेज हो जाती हैं, इसका असर जिस एज़ा में होती हैं वो सही तरह से काम छोड़ देता है। वो एज़ा सुन रहता है, दर्द रहता है और वहाँ पर खिंचाव रहता है, या कभी कभी नर्व बिल्कुल काम छोड़ देता है जिस तरह फालिज में होता है। तो चलिए देखते हैं कि एसाबी खराबी या कमज़ोरी को दूर करने के लिए कौन कौन से पांच बेहतरीन विटामिन्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पर विटामिन B12 है, जिसे सियानोकोबलमिन भी कहते हैं। ये नसों को ताकतवर बनाता है, ख़ास तौर पर जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो। ये आमतौर पर उन लोगों में हो जाता है जिसे डायबिटीज़ का मर्ज होता है। हाथ पैर सुन हो जाता है, इनमें दर्द और खिंचाव रहता है। इन सूरतों में विटामिन B12 बहुत अच्छा काम करता है। ये न्यूरॉन में मौजूद माइलिन शीथ को रिपेयर और सही करने में मदद करता है। इसके साथ टिश्यू की रीजनरेशन को भी बढ़ा देता है। ये एसाबी निज़ाम के काम को बेहतर कर देता है। इस कंडीशन को सही करने के लिए रोज़ाना 500 मिलीग्राम दो मरतबा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पट्टों में दर्द, सुन और खिंचाव जैसे मसाइल को ठीक करते हैं। अगर आप खुराक से लेना चाहते हैं तो आप गोश्त, मछली और अंडे, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर विटामिन ई है, जिसे टोकोफेरोल भी कहते हैं। ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये नसों में होने वाले फ्री रेडिकल के नुकसानात से बचाता है। ये कुव्वते मुदाफियात को भी ज़्यादा कर देता है। विटामिन ई पर मैंने एक बेहतरीन सा वीडियो बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। विटामिन ई डॉक्टर आपको रोज़ाना की बुनियाद पर 400 से 600 मिलीग्राम रिकमेंड कर सकता है। तीसरे नंबर पर विटामिन B1 है, जिसके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये ख़ासकर उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है जिनमें ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला भी ज़्यादा रहता है। हाथ पाँव उसके सुन रहते हैं तो उनमें ये फ़ायदा देते हैं। ये आपके नसों को ताकत मुहैया करता है, जिससे आपका एसाबी निज़ाम सेहतमंद रहता है और इससे आपके पट्टों में दर्द और खिंचाव कम हो जाता है। इसकी नॉर्मल डोज 100 से 300 मिलीग्राम रोज़ाना है। ये अगर आप खुराक से लेना चाहते हैं तो आप मछली और दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा विटामिन अल्फ़ा लाइपोइक एसिड या ALA है। ये काफ़ी चीज़ों में रहता है, जैसे पालक, सीड, सोयाबीन वगैरह। ये जिस्म में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम कर देता है, नसों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। इसके अलावा ये नसों में सोजिश को भी कम कर देता है। इसे डॉक्टर नर्व डैमेज और न्यूरोपैथी के लिए 600 से 1800 मिलीग्राम तक आपको डेली का रिकमेंड कर सकता है। पाँचवा विटामिन जो आपका एसाबी निज़ाम को ठीक करते हैं वो ओमेगा 3 है। ये हमारे दिमाग में खुलियों की ग्रोथ और नर्व फंक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये नसों की हिफाजत करता है, नर्व फंक्शन और ब्रेन फंक्शन को बेहतर कर देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको फिश ऑयल में मिलता है, फ्लैक्स सीड्स में काफ़ी होता है और साथ में ड्राई फ्रूट में, अखरोट में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल में भी पाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।